हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी दोपहर का टाइम है, नींबू पानी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी शुरू करते हैं। तो नींबू पानी के लिए इसमें मैंने ना वो घोला है, बूरा जो होती है वो, या खांड घोलती हूँ मैं। मेरे पास बूरा थी, अभी खांड नहीं थी। काला नमक मैंने इसमें डाल दिया, सादे पानी में मिक्स कर दिया। बर्फ अलग रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और एक भगोनी में भी पानी ले लिया है जिसमें बर्फ़ डाल दूंगी और जिसमें ये ठंडा हो जाएगा पानी। तो बर्फ़ ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है। नींबू निकाल लेते हैं फ्रिज से। नींबू निकाल लिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, पता है मेरे को आवाज़ बाद में इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि गौरी की पोयम चली रहती है। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कॉपीराइट आ जाता है। तो नींबू ये एक ही काफ़ी है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है इस वजह से। तो चलिए, बन करके रेडी भी हो चुका है। मैंने छान लिया है इसको अच्छे से और अब ग्लास में इसको कर देंगे। तो ये हो चुका है इनके लिए रेडी। और अब अंदर देख करके आना है मुझे। तो इसमें एक पीस और डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए और अच्छा हो जाए। अब गौरी की चोटी बनेगी। बस हेयर बैंड लगाओ ला भाई मेरे बेटा। ये देखो जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए कैसे कैसे करते हो। अभी लगाता हूँ। भाई जितना अच्छा आता है उतना अच्छा कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता मैं, जबरदस्ती नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि ये रोने लग जाएगी तो माँ के पास भागेगी। इतने प्यार से इतनी अच्छी कंगी हो सकती है। अरे बेटा रुक जा 2 मिनट। हो गया हो गया हो गया, एक हो गया। मैंने अपनी माँ की भी छुट्टियां करी हुई है, अपनी बीवी की भी छुट्टियां करी हुई है, अपनी बेटी की भी छुट्टियां कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है तो गौरी और पापा नीचे हैं उनके। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है, इवनिंग के झाड़ू लगानी है। तो ये चप्पलें मैंने धो करके रखी थी जो कि गौरी ने पूरी बिखेर दी हैं। और अब बस पायदान वगैरह हटा करके थोड़ा सा बेड संगवा करके मैं झाड़ू लगानी शुरू कर दूंगा। ये कवर मैंने दूसरे चेंज करने थे तो वो इन्होंने बेड पे निकाल के रखे हुए थे। मैंने कहा चलो निकालूँ, लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं ना बड़े ध्यान से गाना सुन रही थी, जब कोई नहीं होता है तो म्यूजिक चला लेती हूँ। बहुत ही प्यारा सा है गाना जो मेरे को अक्सर पसंद आता है और अक्सर मैं सुनती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आगे किसी वीडियो में। चलिए, हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हुआ है, ये घड़ी तो बंद हो गई है, ठीक ही चल रही है। 8:35 हो रहे हैं और अभी आज मंडे है और ये सब्जी लेकर के आए हैं। थोड़ा सामान तनु लेकर के आई थी, उसके बाद में सब्जी, ये नीचे गए थे तो सब्जी ले आए थे। अभी सब्जियों को निकालने के लिए बैठे हैं टब में क्योंकि गर्मी लिमिट से ज्यादा है। और आज गौरी रो करके सोई है, अभी सोई है, देखो। आज ये दिन में बिल्कुल नहीं सोई थी तो इस वजह से अब सो गई है। और अब ये उठेगी, थोड़ा लेट उठेगी, फिर शायद 3 बजे तक ये आज जागेंगी उम्मीद है, क्योंकि 8:30 तो हो ही गए हैं। उसके बाद में जगना है, सोना है, पता नहीं। तो अभी पहले जो सब्जियां हैं उनको टब में निकालूंगी, निकालेंगे। मैं बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, बोले कि नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, तुम और काम करो। क्योंकि गर्मी की वजह से ना, अगर वो रख दी, पहले तो मैं क्या करती थी ना, बाहर छोड़ देती थी निकाल करके,
बिल्कुल के बाहर, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो अभी उनको भिगो करके फिर साथ के साथ धो करके और फिर उनको बाहर बास्केट में रख देंगे ताकि पानी निकल जाए उनका, और उसके बाद में हम लोग फ्रिज में स्टोर कर देंगे इसको। और मंडे को बहुत कम सब्जी ला रहे हैं आजकल, हम लोग भीड़ रहती है, लेकिन आज बहुत तो अच्छी सब्जी मिल रही थी सामने ही, तो इस वजह से ये बोले कि मैं चला जाता हूँ लेने के लिए। चलो गर्मी में हालत देखो सब्जी, बहुत भयंकर वाली गर्मी है, दुनिया बैठी हुई है। भाई 2 किलो टमाटर लेके आया हूँ अलग अलग, 1 किलो देसी और 1 किलो विदेशी। उससे बोले थे 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, थोड़ा चला दो वीडियो बनाने बैठ जाती बस ये भी देखेगी क्या हो रहा है। तो 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, मैंने 30 रुपए किलो में 30 रुपए में 2 किलो लिया आया, दोनों 5 रुपए कम करवाए। ठीक है ये देखिए, और लाया था मैं गोभी लाया हूँ, फूल गोभी। अच्छा पहले हम लोग ना सलाद वाले टमाटर कम लाती थी मैं, अब गौरी रेगुलर खा लेती है, गौरी और नोनी और ये भी। क्या चीज टमाटर? ये हाँ टमाटर खाती है गौरी, क्योंकि मम्मी बोलती थी हमेशा ना कि देसी टमाटर लाओ, चार पूरा पूरा एक टमाटर दे दो वो 10-15 मिनट आधा घंटा लगा देती है उसके अंदर। इनकी फेवरेट सब्जी भी आई है यहाँ पे ना टिंडे, कुछ लोगों को टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है सच में। और अभी भाभी भी मिली थी तो भाभी कह रही, मैंने पूछा मैं टिंडे लेने तो ले दो, भाभी कह रही हम टिंडे नहीं खाते। मैंने कहा आपने कोमल के हाथ के टिंडे नहीं खाए हुए ना कभी, इसलिए बोल रही। कह रही खिला दो फिर किसी दिन, मैंने कहा आ जाओ फिर किसी दिन बना दूंगी बरवा टिंडे। और करेले, करेले बहुत अच्छे लगते हैं यार, अच्छे से बनते हैं ना करेले तो मजा आ जाता है। मुझे तो भाई बहुत पसंद आते हैं सच में, और अभी नहीं पहले से भी पसंद है, मम्मी भी बना के बनाती थी टिंडे, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। मैं तो कहता था मम्मी से मम्मी टिंडे बना दो, और बड़ी भाभी से वो बैंगन घी की सब्जी बैंगन खुल जा भाई। जब नहीं खुलता तो बहुत ज्यादा सब्जी नहीं मंगाई है क्योंकि शिमला मिर्ची और कद्दू ले लिया था गली में से। धो सकते हैं ना ऊपर से तो फिर पानी चला जाएगा इसमें? नहीं नहीं धो तो इसे भी धो सकते हैं फिर तो। हाँ ये भी धुलेगी, ये भी धुलेगी। और आलू तनु ले ही आइए, आलू तनु ले आइए। और एक पता है एक चीज और, ज्यादा सब्जी नहीं लेके आए भाई घर में ना, एक चीज और खराब हो गई है वाली सब्जी जो है ना वही चीज लेके आओ बस, लेके आ रहे हैं मतलब एक ही फूल गोभी लेके। दुकान का देखो ना एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ गया है सच में, काम बिल्कुल नहीं है, बहुत दिक्कत है। क्या बोल रही थी मैं, हमारी गैस और खराब हो गई है, लाइटर लेने नहीं जा पाए इसलिए मैं लाइटर लाना था ना, तो तन्नु से मैंने ना माचिस ही मंगाई है, मैंने कहा तुमने माचिस लिया, माचिस मंगा ली मैंने इसलिए कि माचिस। ये सब्जी है, ये सब्जी है 180 रुपए की। आलू अलग आए हैं, प्याज अलग है, बाकी ये सब्जी 180 रुपए की है। बताओ मतलब 25 रुपए किलो, 205 रुपए की सब्जी, 200 की सब्जी आ गई है। और करीबन तनु भी सामान लाई है 100-150, मतलब एक दूध वगैरह लगा करके ना चले जाते हैं। दूध नहीं लेके आई है तो दूध रखा था ना, तो ये हो जाता है यार। और गैस ना बिल्कुल, कल तो बहुत मुश्किल से गैस हमने ऑन की है क्योंकि माचिस मेरे पास में एक ही बची थी और उस पर भी ऑयल के हाथ लग जाते तो वो बेकार हो जाती है, तो दूसरी डब्बी खोका जो होता है ऊपर का वो ढूंढा और फिर उससे गैस को ऑन किया। अब गैस गैस में ना बहुत दिक्कत आ चुकी है, कालस की दुकान पता लगे खराबी हो गई। और बताऊ और बताती हूँ, इंडक्शन जो है ना नीचे रख दिया था और इंडक्शन ना गलती से इतना सा टूट गया आगे से और उसमें ना चूहे ने घर बना लिया,
फर्स्ट क्लास चल रहा था इंडक्शन भी, और मैंने उठा करके वो इसलिए रख दिया था ऊपर, जगह करनी थी, और उठा इन्होंने फिर उसको नीचे रख दिया कि ऊपर से नीचे जगह बन जाएगी। मैंने नीचे से ऊपर रखा कि जगह बनेगी सेल्फ पे से, और इन्होंने ऊपर से नीचे रखा, और वो उसमें चुहिया आ गई छोटी सी। ना बेटा अभी मत उठ, खाना बना दो। तो तो इंडक्शन भी, गैस चूल्हा भी, और वैसे तो मेरे पास में अभी बची है अंगीठी और थोड़े से कोयले, अंगीठी और थोड़े कोयले बचे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन वो गौरी के सामने हम लोग यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज ना मेरा बाटी बनाने का मन था कोयलों पे। अब तो बहुत ज्यादा सख्ताई करनी पड़ती, मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अब बेड से उतरती हूँ और सीधे किचन में, सीधे रूम में, कहीं पे भी जाना होता है सीधे बेड से उतरने लग गई। अब वो ये नहीं देखती, मतलब हम तो अब तो उसका ये ध्यान रखना भी रखना है कि भाई वो है कहाँ पे। पहले तो अगर हम बेड पे बिठा दिया तो उसको थोड़ी देर ये रहता था कि भाई वो बेड पे बैठे हुए शांति से, चलो ठीक है कोई बात की बात। अब तो बेड पे बिठाने के बाद भी ध्यान रखना पड़ता है, भैया बेड से उतर के दो दो तो नहीं निकल गई है, रसोई में हाथ मारने लग गई है, मतलब स्लिप पे कुछ नहीं रखते, स्लिप पे कोशिश करना बिल्कुल पीछे के पीछे रखना है, जो भी कुछ रखना है ताकि वो हाथ मार के ऐसे खींच डाले। बस एक अच्छी आदत यह है गौरी में कि गेट खुला रहता है ना मेन, तो वो बाहर नहीं जाती है गौरी, बाहर नहीं जाती है बिल्कुल। हाँ, गेट से बाहर नहीं निकलती, अगर गेट खुला हुआ होता ना तो बाहर नहीं जाती। बस मेन गेट खोल, बस आजकल गर्मी ज्यादा है तो हम दिन में खोल लेते हैं, क्योंकि फ्लोर में ऊपर नीचे कोई है, ऊपर ही ऊपर है, बस नीचे कोई है नहीं, फ्लोर खाली पड़े हैं सारे भी, तो गेट खोल लेते हैं हवा क्रॉस होने की वजह से। तो गौरी गेट से बाहर नहीं जाती, यहीं खड़ी होकर देखती रहेगी, बोलेगी कि आप, मतलब इशारा करेगी चलो चलो इधर की तरफ इशारा करेगी, बाहर नहीं जाती बोलेगी। और गौरी के बोलने के लिए भी दोबारा आ रहा ना कमेंट, तो उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, तो हम लोग जाएंगे लेकिन अभी वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने का। और सबसे बड़ी बात इन्होंने भी बताया था एक कमेंट में कि हम 2 साल का होने का वेट अभी कर रहे हैं गौरी का बोलने की जो प्रॉब्लम हाँ। है तो उसके लिए प्लीज अभी मत बोलिए, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे। हम लोग भी हैं परेशान, उससे बहुत कोशिश करते हैं, देखो वीडियो होती है हमारी 10 से 15 मिनट की, उसमें पूरी चीज नहीं बता पाते हैं, या जो हम पूरा दिन उसके साथ में करते हैं वो भी नहीं दिखा पाते हैं हम लोग, तो हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उसके साथ बोले वर्डिंग्स बुलवाते भी हैं, और अब तो रुलाने भी लग गए हैं, कितनी बार तो वो रोती भी है कि नहीं वो बोले कुछ भी बोले, मन होता है तो थोड़े बहुत वर्डिंग बोल देती है। और इसी को देखते हुए अब उसको 2-3 दिन से हमने एक उसका फ्रेंड बनाया है, और उसके साथ में थोड़ा खेलती है ताकि वो वर्डिंग को थोड़ा बोलना सीखे बच्चों के साथ में, तो प्रोसेस पूरे कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज ना बोलें थोड़ा सा। आप अच्छे के लिए बोलते हैं लेकिन कुछ लोग आते हैं जो बोल जाते हैं। चलो मैं किचन में काम खत्म करती हूँ, ये सब्जी धोने का काम करेंगे, दोनों ही काम निपटाएंगे आराम से बैठेंगे। तो यहीं पे मैं पानी दे देती हूँ ना भगोनी से भर के, बर्तन धो दूंगी फिर। नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कर दूंगी अभी। ठीक है भाई अभी काम करती फिर मिलती हूँ। तो अभी बस चावल बनाने हैं मुझने, चने के चावल, कभी ट्राई कीजिएगा, अक्सर मैं बनाती हूँ ये चावल या चने की दाल के, तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने ना प्याज पहले से ही भून करके उसके अंदर चने डाल दिए हैं, और इसमें से ना मैं चने निकालूंगी, मुझे ये आधे कच्चे आधे पके चने बहुत पसंद है, तो जब भी मैं इस तरीके का कुछ भी बनाती हूँ ना तो मैं प्याज में फ्राई करके थोड़े से अपने निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो बीज हैं ये मैं खा रही हूँ, ये इसी डब्बे में रहते हैं और अक्सर मैं ही खाती हूँ इनको, तो इसमें से निकालती रहती हूँ और खा करके फिर बंद करके रख देती हूँ। तो चने थोड़े से जो हैं यहाँ पर पक चुके हैं और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, बस ज़्यादा नहीं निकालूँगी, इसमें से तीनों एक एक चम्मच खाएंगे, अदरवाइज़ ना चावल में कम रह जाएंगे क्योंकि चने इतने ही भीगे हुए बचे हुए थे। और ये इसमें तो थोड़ा सा पानी जैसा है, अदरवाइज ड्राई बनते हैं ना ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलो चावल को बस सब मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसमें ढक्कन लगा करके सीटी आने का वेट करूंगी, एक सीटी आएगी और मेरे चावल बन करके रेडी हो जाएंगे। तो इसमें मिर्ची मैंने काली मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची बहुत कम डाली है ताकि गौरी भी खा ले थोड़ा सा और नोनी भी खा ले। तो गौरी तो अभी सोई हुई है, तो चलो अब गौरी के पापा से मिलवाते हैं, वही ब्लॉग को एंड करेंगे आज। काम कर रहा था, मेमोरी खाली करी है मैंने, समझ गया ना, मेरी वो मत दिखा देना, मैं उतर रहा था, मतलब और कुछ मत बोल देना।
अभी तुम्हारे फोन की मेमोरी खाली कर रहा था ना, एक कह रहे मैं वीडियो डिलीट कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। 84 GB की वीडियो पड़ी हुई तुम्हारे फोन के अंदर, 84 GB, 128 GB का कार्ड है, तो 1 GB है उसके अंदर। सोचो आपकी बीवी काम करती है, हा? आपकी बीवी काम करती है तभी तो, इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो 84 GB की वीडियो मेरे को डिलीट को मूव करने दो फोन दो। तुम ना बहुत काले आ रहे हो क्योंकि मैंने लाइट बंद करी हुई है ना। कोई बात नहीं, हम काले हैं बहुत अच्छे है। अब मैं टाइटल डालूंगी, मेरा पति जुआ खेल रहे थे, काला मिल गया, जुआ खेल रहे थे। वो डालती है ना बहुत सारी यूट्यूबर, बस अपने पतियों को बनना। जुआ खेलते हुए पकड़ा मैंने अपने पति को, जुआ खेलते हुए पकड़ा। जुआ खेलता था देखो भाई, ये ना मेरा जुआ। अच्छा जुआ, ये भी जुआ है क्या? ये भी तो खेलता हूँ मैं, ये भी जुआ है, पता नहीं यार कैस है, ये भी जुआ है क्या? नाम बदनाम कर रखा जुआ है, जुआ खेल रहे थे। जुआ होता क्या? जुआ तो सर में होती है जुआ। कहते जुआ खेल रहे, जुआ एक्चुअली तब खेला जाता है जब पैसे लगा के खेला, सट्टा। हाँ तो जुआ होता है, ऐसे खेल रहे हैं फ्रेंड सर्कल में, खेल रहे हैं ऐसे खेल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कुछ याद आ गया। लेकिन क्या कुछ याद आ गया, खेलता हूँ किसी के साथ खेलता था एक ही दिन, मतलब अरे मम्मी पापा के साथ यार, और क्या, मम्मी पापा और भाई या बिट्टू भी आ जाते थे, कितना मन करता है खेलने का, लेकिन खेलने को राजी नहीं। चलो ठीक है, बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट सब कुछ ऐसे करेंगे क्या? मैं ये उनको उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। ओ ठीक है, ये थैंक यू है उसके लिए, जो मतलब करेंगे ना तो उसके लिए मैं थैंक यू ऐसे कर रहा हूँ। तो बाय बाय। हाँ बाय 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 गौरी, कैसे ऐसे करती है? पाए बोलती है, पाए नहीं तो सोया हुआ बेटा, सो रहा है।